हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडल कोचिंग। इकोनॉमिक डिक्शनरी के हिंदी वर्जन में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम इंटरेस्ट रेट्स वर्सेस बॉन्ड प्राइसेस को डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो हमको ये समझना चाहिए कि इनके बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस घटते हैं, या बॉन्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं। और ये क्यों होता है, इसके लिए अगर हमको समझना है तो सबसे पहले हम एक जीरो कूपन बेस्ड बॉन्ड लेते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स वो होते हैं जिसमें कोई इंटरेस्ट रेट्स नहीं मिलता, ये कोई कूपन नहीं देते। इनकी दो तरीके से वैल्यूज होती हैं, एक होती है जब इनको खरीदा जाता है जिसे परचेस प्राइस कहते हैं, और जब ये मैच्योरिटी पे मैच्योर होते हैं तो उसको पार वैल्यू कहते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लें तो सपोज ये जो बॉन्ड है जीरो कूपन बॉन्ड, ये मान लीजिए 950 रुपए का अभी मिल रहा है, यानी कि 950 रुपए का, और मैच्योरिटी पे इसकी प्राइस है 1000। मैच्योरिटी एक साल के बाद, दो साल के बाद, जो भी पीरियड लगाया गया हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये बॉन्ड खरीदता है 950 रुपए में तो उसको बाद में मिलते हैं 1000 रुपए, यानी कि 5.26% का उसको फायदा मिलेगा। कैसे? 1000 माइनस 950 अपॉन 950, सीधे सीधे इंटरेस्ट निकालने का तरीका। लेकिन ये जो परसेंटेज है ये डिपेंड करेगी दूसरी चीजों पर भी जो बॉन्ड मार्केट्स में हो रही हैं। बॉन्ड मार्केट्स में और भी कुछ हो रहा है, वो भी बॉन्ड्स बेचे जा रहे हैं जो परसेंटेज बेसिस पर बेचे जा रहे हैं। यानी मान लीजिए जो परसेंटेज बेसिस है उसका इंटरेस्ट रेट 10% है, और जीरो कूपन बेस्ड बॉन्ड्स जो हैं उसमें रिटर्न 5.26% आ रहा है। तो ज्यादा किसमें है? इसमें है। तो लोग इस बॉन्ड को छोड़ के इसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और अगर इस बॉन्ड को इसके इक्विलेंट लाना है, 10% के इक्विलेंट लाना है, तो इस बॉन्ड की प्राइस और घटानी पड़ेगी, क्योंकि ये 10% बहुत ज्यादा है। तो 950 को हम घटा के 909 कर देंगे। क्यों? ऐसा करने से अब हमको इसका रिटर्न भी 10% मिल रहा है, और वो 10% अब उस व्यक्ति को मिलेगा, तो फिर वो ये बॉन्ड खरीदेगा। इसका मतलब ये है कि अगर भविष्य में परसेंटेज बढ़ने की आशा हो गई उन बॉन्ड्स की जो परसेंटेज बेसिस पर बेचे जाते हैं, और अगर लोगों को अनुमान लग गया कि अब आने वाले वक्त में इसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो लोग ये बॉन्ड्स की तरफ जाएंगे, और इस वजह से इन बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इनकी वैल्यू कम हो जाएगी 909 रुपये तक, यानी कि 950 से 909 हो गए। इसका मतलब बॉन्ड की प्राइसेस गिर गई क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए। ये इन्वर्स रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में।